नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम दिन का दूसरा पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं, जो कि होगा 15 लाख का पोर्टफोलियो। और यहां पर इस सवाल का मैं जवाब देने वाला हूं कि क्या आपको भी स्विंग ट्रेड में लॉस होता है, और होता है तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए, कैसे हमें उसमें पैसे को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 15,20,000 के आसपास का, और करंट वैल्यू चल रही है 16 लाख के आसपास। चेंज देखने को मिला है 6% का पॉजिटिव चेंज। कौन से स्टॉक्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है HDFC बैंक, 10% का लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। HDFC AMC में आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1,35,000 का, 10% का लॉस हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। HDFC लाइफ में 40,000 का इन्वेस्टमेंट, 30% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। बजाज फिनसर्व में 1,12,000 का इन्वेस्टमेंट, 1% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा है। बजाज फाइनेंस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, 12% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। मुथूट फाइनेंस 27,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 113% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। ICICI लोम्बार्ड 48,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 7% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। आवास फाइनेंस 33,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 14% का आपको लॉस हो रहा है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, लेकिन फिलहाल का सिचुएशन हमें ऐसी बन रही है कि यहाँ पर बड़ी कंपनीज, बड़ी NBFCs या बड़े बैंक्स में ही अगर हम रहेंगे तो ही अच्छा होगा, ऐसी मेरी राय है, बाकी डिसीजन आपका है। सेम क्रेडिट एक्सेस और दौलत में भी मैं वही राय देना चाहूँगा कि अभी की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, NPS बढ़ सकते हैं। और फाइनेंस कंपनीज में, खास करके अच्छी कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रांग कैश हैवी बिजनेस में ही हमें रहना चाहिए। जो कैश हैवी बैंक्स रहती है, NBFCs रहती है, फंडामेंटली स्ट्रांग मार्केट लीडर्स होती है, उन्हीं के साथ हमें स्टिक करना चाहिए, ऐसा मेरा राय रहेगा, बाकी डिसीजन आपका है। नेक्स्ट है अल्काइल एमाइंस, 1509 पर 12,000 का इन्वेस्टमेंट, 50% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। अतुल, आपने 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 30% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स 21,000 का इन्वेस्टमेंट, 10% का लॉस। कंपनी वैसे तो अच्छी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है, तो यहाँ पर ऑपरेटर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मली ऑपरेटर उन्हीं स्टॉक्स में ऑपरेट करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है मार्केट कैप के हिसाब से, माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी में ही वो काम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सोच समझ कर संभल कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, उतनी ही मैं राय दूंगा। नेक्स्ट है फाइन ऑर्गेनिक्स, 30,000 का इन्वेस्टमेंट, 24% का प्रॉफिट, काफ़ी अच्छा शेयर है। पीडीलाइट इंडस्ट्री 26,000 का इन्वेस्टमेंट, 4% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा है। विनाती ऑर्गेनिक्स 49,000 का इन्वेस्टमेंट, 3% का लॉस, लॉन्ग टर्म के लिए विनाती भी काफ़ी अच्छा है। VIP इंडस्ट्री 9,000 का इन्वेस्टमेंट, 28% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्रैवलिंग पे बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ा है इस पैंडेमिक का, तो यहाँ पर लगेज बनाने वाली कंपनी है तो इस पर भी बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है। टाइटन 7% का लॉस, काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर लग्जरी बिजनेस में रिसेशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा बुरा असर हमें पड़ता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है। रिलैक्सो फुटवेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है 50,000 का, 12% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। ट्रेंड 24,000 का इन्वेस्टमेंट, 10% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है। डीमार्ट 41,000 का इन्वेस्टमेंट, 3% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बर्जर पेंट्स 27,000 का इन्वेस्टमेंट, 13% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा है। बाटा इंडिया 47,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 15% का आपको लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 32% का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। गोदरेज कंज्यूमर 36,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 7% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी वैसे तो अच्छी है, लेकिन इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज, इससे बेहतर कंपनीज मुझे मार्केट में अवेलेबल दिखाई देती है, तो मैं इससे ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ HUL, ब्रिटानिया और नेस्ले जैसी कंपनीज को, बाकी ओवरऑल कंपनी भी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट है मैरिको में 11% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर भी मैं गोदरेज कंज्यूमर में जो राय दी है वही मैं आपको राय देना चाहूँगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान फूड्स, आपने 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 13% का प्रॉफिट हो रहा है, काफ़ी अच्छी कंपनी, आपको पता ही होगा मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे FMCG प्रोडक्ट्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स देती है उनका मैन्युफैक्चरिंग करने वाला काम हिंदुस्तान फूड्स करती है, तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है, इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। अबाउट
स्मार्ट इंडिया आपने इन्वेस्टमेंट किया है 15,000 का, 4% का लॉस, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। डॉक्टर लाल पैथ लैब 20,000 का इन्वेस्टमेंट, 18% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। Naukri.com 50,000 का इन्वेस्टमेंट, 44% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा है। इंडिया मार्ट इंटरमेश आपने थोड़ी सी क्वांटिटी उठाई है, 4,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 19% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लेकिन आपने थोड़ी सी ही क्वांटिटी उठाई है। यहाँ पर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं एट द प्राइस ऑफ सपोर्ट। अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में तो वो है एफले लिमिटेड, एफले इंडिया, 18,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 1% का लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अशोक लेलैंड 44,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 30% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ अशोक लेलैंड में बाइंग के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है और काफ़ी तनाव बना हुआ है, तो यहाँ पर आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टिंग कर दिया है, 73 के प्राइस पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरा मानना है कि अगर तेज़ी देखने को मिलती है तो यहाँ से आप थोड़ा सा निकलने के बारे में तो सोच ही सकते हैं। नेक्स्ट है आईसर मोटर्स, और साथ ही साथ अशोक लेलैंड में फिलहाल मैं आपको एवरेजिंग की राय भी बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आईसर मोटर्स में 21,000 के प्राइस पर 42,000 का इन्वेस्टमेंट, 1% का प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी ये भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऑटो सेक्टर में तनाव है, तो सोच समझ कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा। गैलेक्सी बियरिंग 5,000 का इन्वेस्टमेंट, 42% का प्रॉफिट, बहुत ही ज़्यादा माइक्रो कैप कंपनी है, तो इतनी ज़्यादा छोटी कंपनीज में मैं रेकमेंड नहीं करता। ओवरऑल कंपनी भले ही अच्छी होगी, ज़्यादा मैंने इसे स्टडी नहीं किया, ज़्यादा मेरी वॉचलिस्ट पे भी नहीं है, ये ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक हो जाते हैं, जो छोटी कंपनीज होती है वहाँ पर हमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा माइक्रो कैप वाली ये कंपनी है। मारुति सुजुकी 43,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 1% का आपको लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है। महाराष्ट्र स्कूटर्स 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 27% का आपको लॉस हो रहा है। आपको पता होना चाहिए बजाज ग्रुप की ही यह कंपनी है, बाकी उसमें महाराष्ट्र स्कूटर्स खुद में कोई उसकी ब्रांड इमेज नहीं है, बजाज का शेयर है, इसीलिए हमें इसमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं और डायरेक्टली बजाज ऑटो में इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। RVNL 22,000 का इन्वेस्टमेंट, 21% का आपको लॉस हो रहा है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, लेकिन PSU है, तो सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए, और यहाँ पर अगर आप वेट कर सकते हैं तो ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वरना इसमें आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है TCS 14,000 का इन्वेस्टमेंट, 13% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। KEI इंडस्ट्रीज 30,000 का इन्वेस्टमेंट, 23% का लॉस, तो इसी सेक्टर में पॉलीकैप और हैवेल्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर चॉइस है, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। IGL में 40,000 का इन्वेस्टमेंट, 5% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। GMM फॉडलर 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 50% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और यहाँ पर आपने कहा है कि स्विंग ट्रेड में आपने 2.7 लाख इन्वेस्ट किया है। स्विंग ट्रेड्स के जो आपके स्टॉक्स है वो है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, PGHL, LNT, KPIT टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ जस्ट डायल, फेयर केमिकल, डेल्टा कॉप, बंधन बैंक, एपकॉट टेक्स्ट इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर मैं एक ही राय देना चाहूँगा स्विंग ट्रेड में, अगर आपको ओके, यहाँ पर आपने कमेंट भी किया है कि आई हैव एंटर्ड एट हाई प्राइसेस, दैट इज़ वाई आई एम होल्डिंग नाउ, तो यहाँ पर अगर आपने मन बना लिया था कि स्विंग ट्रेड के लिए लिया है, तो जो भी ट्रेडिंग के लिए लेते हैं वहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को इंटैक्ट रखना चाहिए। नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर जब शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स लेते हैं, जब वो स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स लेते हैं, जब वो शेयर ऊपर जा रहा है तो टारगेट को ऊपर खिसकाते जाते हैं, सोचेंगे और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और जब वो शेयर नीचे जा रहा होता है तब स्टॉप लॉस को भी नीचे लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए ही लिया है तो स्विंग ट्रेड के लिए उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को इंटैक्ट रखना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी ऐसी कंपनीज भी है जो काफ़ी अच्छी है, PGHL काफ़ी अच्छा है, LNT भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है, बंधन बैंक अच्छा है, तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स आप अच्छे हैं उन्हें आप रख सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस कौन सा भी शेयर हो, अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए लिया है तो वहाँ पर इंटैक्ट रखना बहुत ही ज़रूरी है, तो ही आप अपने लॉस को प्रोटेक्ट करवाएंगे, लॉस को कम से कम कर पाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, आपने होल्ड किया तो आगे भी होल्ड कर सकते हैं, बाकी डिसीजन आपका है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा है, यहाँ पर अलग अलग स्टॉक्स देखने को मिले, ज़्यादातर आपने कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर ऑटो सेक्टर में, वो भी ऊपर के प्राइस पर, तो ज़्यादा यहाँ पर हैवीली इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए ऑटो स्टॉक्स में, ऐसी मेरी राय रहेगी। गैलेक्सी बियरिंग से आप कंप्लीटली एग्जिट कर सकते हैं, साथ ही साथ आईसर मोटर्स आपको फ्लैट रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, आपको यहाँ पर बने रहना है तो बने रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी
स्पेशली ऑटो स्टॉक्स में मैं ज़्यादा रिकमेंडेशन फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑटो का जो निफ्टी ऑटो का इंडेक्स है वही काफ़ी ऊपर निकल चुका है और इतना ज़्यादा काम यहाँ पर हो नहीं रहा है। अगर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती भी है तो जो ऑटो स्टॉक्स जिन पर फोकस बनाए रखना चाहिए वो स्टॉक्स भी मैं आपको बता देना चाहूँगा, वो है टू व्हीलर स्टॉक्स यानी कि हीरो मोटर कॉर्प, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स पर आप फोकस बनाए रख सकते हैं। साथ ही साथ फार्म इक्विपमेंट सेक्टर यानी कि ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनी हो गई, एस्कॉर्ट्स है या फिर M&M भी बनाती है ट्रैक्टर्स, तो वहाँ पर फोकस रख सकते हैं। और पैसेंजर व्हीकल में तो सिर्फ और सिर्फ मारुति सुजुकी ही फोकस पे रखना है, ऐसी मेरी राय रहेगी, बाकी डिसीजन आपका है। तो अगर आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।